गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। टुडे इज वी लर्न एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि इससे पहले कि हमने क्लास में पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी कोई सीरीज नंबर्स की जिसके दो टर्म्स के बीच या दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों टर्म्स या किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। पहले नंबर को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को लास्ट। और जिस टर्म को हमें फाइंड करना है उसने कहा कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा या इसका एंथ टर्म क्या होगा, तो उसे हम लास्ट टर्म या एंड टर्म रूप्स में मान सकते हैं। फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है क्या होता है एंड टर्म का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन 12 है, टू ए पीज इन द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स बी 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसने हमें दी हुई हैं और दोनों में उसने हमें कॉमन डिफरेंस कैसा दिया हुआ है, सेम। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों सीरीज के जो 100 टर्म हैं उनका डिफरेंस उसने हमें दिया है 100, तो हमें 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। लेट 2 ए पीस हुज फर्स्ट टर्म इज A1 एंड A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A1 100 टर्म माइनस A2 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस उसने हमें कितना दे रखा है, 100 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 90 माइनस A2 प्लस 90। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये एज इट इज A1 प्लस 90, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। अब जैसा कि उसने हमसे सीरीज में कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। बट हमें तो क्या निकालना है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस। नाउ A1 1000 माइनस A2 1000, ये हमारा क्या होगा, A1 प्लस 999 माइनस A2 प्लस 990। ये तो एज इट इज A1 प्लस 990, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का। तो ये बचा A1 माइनस A2, और इक्वेशन फर्स्ट से A1 माइनस A2 कितना है, फ्रॉम फर्स्ट A1 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। यानी अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि 1000 टर्म्स की जगह कभी कभी वो लोग डिजिट भी चेंज कर देते हैं, हो सकता है 500 टर्म पूछ ले। कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा माइनस होगा, जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 500, 1000, 10000 जितना भी वो आगे पूछेगा उसका कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, और जो उसका 100 टर्म का डिफरेंस आ रहा है वही उसके 1000 टर्म्स का होगा, 5000 का होगा और 10000 का होगा। IMP क्वेश्चन है, एक बार आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। किसी तरह का कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव ए स्वीट डे, बाय बाय।